हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑफ इन्फोटेक एंड रिसर्च माय नेम इज़ तुषार शर्मा एंड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन तो जैसा कि आप सबको पता है हम कर रहे थे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री इसके हमने ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स पार्ट्स कवर कर लिए हैं जिसमें हमने पहले पार्ट में करा था बेसिक टर्मिनोलॉजीज उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड में मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर देखा था फिर हमने लिक्विड क्रिस्टल बैन थ्योरी देखा था फिर हमने स्टेक्यू स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखा था और हमने उसके बाद ग्रेफाइट देखा था एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ठीक है उसके बाद हमने फुल रीन भी कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप गलत वीडियो पर फिलहाल आपको जाना है प्ले में हमारी चैनल पे ऐसी भी एंड रिसर्च जो आपको नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब के बगल में वहाँ पर क्लिक करो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाओ प्लेलिस्ट से आओ आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट में ठीक है वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी आपको इन्हें अच्छे से देखना है और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कोई भी टीचर नहीं हूँ आप ही की तरह आपका बस सीनियर हूँ मैं सारे एग्ज़ाम ये दे के आया आऊँ तो मुझे पता है इनमें कैसे मार्क्स लाए जाते हैं इसी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसी भी तरीके की, की कोई भी अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आ जाओ वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूँगा बिना किसी प्रॉब्लम के बस आपको वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो करना है जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे एग्ज़ाम में लिखना है ठीक है अब हम देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में फुल रीन किया था इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे आपका नैनो मटेरियल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेन मार्क्स में आ जाता है ठीक है इस टॉपिक के बाद ये जो चैप्टर है या यूनिट है यूनिट नंबर वन ये आपकी फिनिश हो जाएगी ऑफिशियली बिना किसी दिक्कत के इसके बाद हम देखते हैं क्या स्टार्ट करना है क्या नहीं फिलहाल आपको इस यूनिट को दोबारा ऐसी ही प्लेलिस्ट देखनी है आपको तीन चार बार एटलीस्ट देख लेनी है इससे कि आपके जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम बस जाए समझ रहे हो ना चलो कोई नहीं स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेट ओके okay. सो so, हमारा टॉपिक है नैनो मटेरियल्स तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर नैनो मटीरियल्स सो बेसिकली द मटीरियल्स है इन द नैनो स्केल आर कॉल नैनो मटीरियल्स ठीक है नैनो स्केल होता है उस पर अगर जो है मतलब वन डायमेंशन भी है अगर किसी मटीरियल की तो वह नैनो मटीरियल है काफी छोटे मटीरियल होते हैं ठीक है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये पॉइंट द मटीरियल्स हैविंग at least one dimension in the nano scale are called are called what nano materials ठीक है अगर आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़े लॉन्ग में डिटेल में लिखनी है तो हम मैं आपको बताई भी वो भी बता देता हूँ बेसिकली दी सार material with any external dimension in the nanoscale or having internal structure इन दिन ठीक है और बेसिकली जो लेंथ की रेंज होती है इनमें वो होती है वन नैनोमीटर टू टेन नैनोमीटर अब ये तो आपको पता होगा वन मीटर में टेन की पावर माइनस नाइन नैनोमीटर होते हैं मतलब काफ़ी छोटा है ये ठीक है वो आपको ये इतना तो पता ही होगा ठीक है ये आपने दो पॉइंट अच्छे से समझ लिए एक और चीज़ आपको समझनी है अच्छे से कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है बेसिकली जो मैनिपुलेशन होता है एटम्स और मेलिकुल्स का नैनो स्केल पे ये वही है एक तरीके से समझ रहे हो ना समझ में आ रहा है ना ठीक है अब इसमें एक और हम पॉइंट देखते हैं जो नैनो मटेरियल्स होते हैं जो नेचुरल एकरिंग होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वॉलकैनिक हो गया मतलब वॉलकैनो से आपका निकलता है ऐश उसके बाद आपका और भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं ये नहीं हम बोलते हैं अन इंटेंशनल ठीक है समझ रहे हो ना ये अन इंटेंशनल फॉर्म में आते हैं मतलब बेसिकली कम्बशन प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं ठीक है जैसे कि डीजल इंजन हो गया आया समझ में मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ नैनो मटेरियल्स डेट आर एक्चुअली नेचुरल अकरिंग एग्जाम्पल वॉल कैनो आर जनरेटेड एज अन इंटेंशनल बाय प्रोडक्ट ऑफ कंबेशन प्रोसेस डीजल इंजनस आर यूजली फिजिकली एंड केमिकली हाइड्रोजीनियस आर ऑफ इन टर्म अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स ठीक है इन्हें हम अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स भी बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ये पॉइंट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इंजीनियर्ड नैनो मटीरियल्स मतलब अगर हम इनको समझें इंजीनियर्ड नैनो मटीरियल्स तो ये इंटेंशनली प्रोड्यूस होते हैं ठीक है ये एक तरीके से आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ तरह डिजाइन किए गए होते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक पर्पस ठीक है मैं ये यह पॉइंट यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्ड नैनो मटेरियल्स आर इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड एंड डिजाइंड विथ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर आ स्पेसिफिक पर्पस और फंक्शन ठीक है समझ में आ गया अब आप इन तीन पॉइंटों को दोबारा अच्छे से रीड करो फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ ठीक है दोबारा से इन तीन पॉइंटों को रीड करो डेट इज फर्स्ट इज द मटेरियल हैविंग एटलीस्ट वन डायमेंशन इन द नैनो स्केल आर कॉल्ड वॉट नैनो मटेरियल्स समझ में आ गया अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ठीक है जैसे कि हमने पहले देखा था बेसिकली हम उसी तरीके से इसमें भी हमने जैसे कि फुल इंस का आपका वो किया था उसी तरीके से हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटीरियल इसमें पहली जो प्रॉपर्टी आती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको ये तो पता ही है अगर कहीं भी हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो बेसिकली हम तीन तरीके से देखते हैं इट इज द मैग्नेटिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैं पहले आपको वर्बली औरबली समझा देता हूँ बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये यूज होते हैं लाइक यू नो बायो प्रोसेसिंग रेफ्रिजरेशन या हाई स्टोरेज डेंसिटी मैग्नेटिक मेमोरी मीडिया में बेसिकली ये यूज होती हैं जैसे कि द लार्ज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो रिजल्ट इन अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट मैग्नेटिक कपलिंग विद नेबरिंग एटम्स लीडिंग टू डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझ में आ गया अब आपको इसके बारे में लिखना तो खुद ही पड़ेगा अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ वहां मैं डाल दूंगा ठीक है नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अब ऑप्टिकल तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा आई होप और थर्ड हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या है स्मॉल जो नैनो क्लस्टर होते हैं उनका जो इफेक्ट है वो डायमेंशनली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर जाता है उससे जो है प्रोफ एंड इफेक्ट जनरेट होता है तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है ठीक है उनका जो एनर्जी है जो कि बैलेंस बॉन्ड और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो असेंशली कंडेंशनल जो बैंड है उसे रिलेट करती है ठीक है जो सेमीकंडक्टर होते हैं और काफ़ी जो मेटल्स होते हैं वो लार्ज चेंज दिखाते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि आपका कलर आ गया साइज़ आ गया ये होती हैं आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ सो द चेंजेस विच अकर इन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एज द दिस्टम लेंस के रिड्यूस आर रिलेटेड मेनली टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द दैसिटी ऑफ स्केटरिंग सेंटर समझ में आ गया समझ में आ गया ना एक एग्जांपल बता देता हूँ सपोज करो इफ अ वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू नैनो स्ट्रक्चर विच अलाइन द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन द डीएस रेजोनेट टनलिंग अकर्स विच एवरेपली इंक्रीज द टनलिंग करेंट ठीक है समझ में आ गया तो so बेसिकली ये सारे फिनोमेना जो है इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशन्स ऑफ नैनो मटेरियल्स ठीक है सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो आपका मेडिसिन में मेडिसिन में जैसे कि हो गया आपका ड्रग डिलीवरी ड्रग का मतलब वो ड्रग में समझना है ड्रग का मतलब मेडिसिन होता है बेसिकली ठीक है सेकंड आपका हो गया डायग्नोस्टिक्स ठीक है थर्ड आपका हो गया टिश्यू रिपेयर टिश्यू तो आप जानते होंगे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं उनको रिपेयरिंग के लिए मतलब रिकवर करने के लिए बेसिकली और फोर्थ है आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी ठीक है अब इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो काफ़ी चीज़ों में नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो आपकी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो जैसे कि टेली के लिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए वी यूज क्वांटम वेल लेजर विच इज़ आनो मटेरियल, ठीक है हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर होते हैं एच ई एम टी लूनो इसके वो भी आपके यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कुछ इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी यूज़ होते हैं कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्ट कस्टमर जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है तो जैसे कि आपका हो गया इसमें डिस्प्ले उसके बाद आपका हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर उसके बाद कैमराज ऑडियो एक्सेट्रा मोबाइल सब में जो है नैनो मटेरियल्स का यूज़ होता है आपको पता ही होगा ठीक है और आपके नैनो मटेरियल्स होते हैं ये सेमी कंडक्टर को डेवलप करने के लिए भी काम आते हैं काफ़ी एडवांस प्रॉपर्टीज़ के साथ जैसे कि जो ट्रांजिस्टर है वो कार्बन नैनो ट्यूब से नैनोमीटर डाइमेंशंस में रिलेट कर पाए ठीक है समझ में आया ना अच्छे से आपको ये सारे पॉइंट तो इसी के साथ हमारे जो यूनिट नंबर वन है फिनिश हो गई है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है अब आपको कमेंट में बता देना है नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है जो आप कहोगे वही स्टार्ट कर देंगे बिना किसी संदेह के बस आपको ये सारी जो वीडियोज़ हैं आपको ये प्ले में मिल जाएंगी वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हो वॉच कर सकते हो एटलीस्ट कम से कम दो टाइम तो आपको देखना ही देखना है हर वीडियो को जिससे कि कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए देखो दो टाइम्स तो देख ही लेना फिर एक टाइम क्या करना नोट्स बना लेना है एक टाइम एग्ज़ाम से पहले मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा प्लस टॉपिक्स भी दे दूँगा बताओ इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है यहीं पे कहीं और क्यों जाना तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हम इसी तरीके से करेंगे फर्स्ट यूनिट कवर हो गई है बाकी यूनिट भी धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट डेट आई एम नाट प्रोफेसर सीनियर हूँ आपका बस एग्ज़ाम ये मैंने अच्छे से दिया है अप्रोक्स एट्टी मार्क्स मैंने स्कोर करें इस एग्ज़ाम में तो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ ठीक है इस पोजीशन पे मैं हूँ कि के आपको केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट गाइड कर सकता हूँ ठीक है इसके बावजूद अगर आपको किसी भी तरह की और भी कोई वीडियो चाहिए तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में लिखो अगर सेकेंड ईयर के आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए अब सेकेंड ईयर में भी थर्ड सेमेस्टर में आपको पता है कितने सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर हो गया डेटा स्ट्रक्चर हो गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया मैथ्स फोर हो गया किसी की भी वीडियो चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ तभी मैं बनाऊँगा क्योंकि अभी मैं किसी भी सब्जेक्ट की बना दूँ आपको उसकी नीड नहीं है तो आप समझ रहे हो ना मेरा भी टाइम वेस्ट जाएगा जिससे कि कोई हमें ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि आउटपुट मिले हमें भी थोड़ी रीच मिले समझ रहे हो ना ठीक है तो इसी के साथ हम देखते हैं फिर आगे क्या स्टार्ट करते हैं ठीक है और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर तो उनसे मैं एक निवेदन और करूँगा हमारे चैनल की प्ले में जाओ वहाँ पर सिलेबस डिस्कशन के नाम से एक वीडियो होगी उसको ज़रूर देखना फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर के भी मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द पर फर्स्ट ईयर के वो ज़रूर देखना उससे क्या होगा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपकी फर्स्ट ईयर में क्या क्या होने वाला है ठीक है समझ रहे हो ना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ओके एवरी वन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ठीक है लाइक like करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को कमेंट करो कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से बता चुका हूँ हर वीडियो में तो यहाँ पर ये कर देंगे शेयर करो इसे एंड सब्सक्राइब टू द लेटेस्ट वीडियोज़ ठीक है ठीक है तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करो चैनल को और किसी भी एगेटिव के रिलेटेड कोई भी डाउट आता है डायरेक्ट हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना केमिस्ट्री हमारी खत्म हो गई है यूनिट नंबर वन और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या करेंगे ठीक है सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच कर लेना है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और अप्रॉक्स अबाउट नाइन टू टेन वीडियोज़ हैं जो देख लेनी है उसके बाद इसमें कोई जहाँ तक है प्रॉब्लम नहीं आएगी थैंक यू